दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। अजूरे के अंदर इसको बोला जाता है वर्चुअल नेटवर्क। वीनेट। ठीक है, सो वीनेट बोलो या वर्चुअल नेटवर्क। अब दोनों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि यहां पर भी सबनेट्स बनते हैं और यहां पर भी सबनेट्स बनते हैं, बट यहां पर जो AWS के अंदर जो सबनेट्स बनते हैं ना, वो पर्टिकुलर एबिलिटी जोन के अंदर बनते हैं। एबिलिटी जोन का मतलब है कि एक ही रीजन, एक रीजन का मतलब है एक कंट्री के अंदर एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स होते हैं, उसको बोला गया एबिलिटी जोन। लाइक मैं अगर बात करता हूँ इंडिया, और इंडिया के अंदर अमेजोन ने अपने 3 डेटा सेंटर्स बनाए हैं, दैट मीन्स द 3 एबिलिटी जोन। बट अजूरी के अंदर ऐसा कोई एबिलिटी जोन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहां पर वो आपसे कोई ऐसा एबिलिटी जोन नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट आपसे सबनेट ऐड करने के लिए बोलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ना कि अजूरे का यहाँ पर अपना एबिलिटी सेट है, तो एबिलिटी सेट बनाओ या आप एबिलिटी जोन्स की बात करता हूं मैं, तो एबिलिटी सेट और जोन है तो सिमिलर ही, बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर यह है कि जब आप वीनेट बनाओगे अजूरे का, तो वहां पर वो ऐसा कोई एबिलिटी जोन सिलेक्ट करने का, यानी कि नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स की कोई लिस्ट ही नहीं आएगी कि अमेजोन ने पर्टिकुलर, सॉरी अजूरे ने पर्टिकुलर इस लोकेशन पर कितने डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो वो लिस्ट आपको वहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन जब अजूरे में आप जाते हैं, तो अजूरे सॉरी AWS पे जब आप जाते हो, तो वहां पर आपको पर्टिकुलर उस नेटवर्क की लिस्ट बनेगी कि दे आर द नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स हैं और आप किस डेटा सेंटर के लिए नेटवर्क डिजाइन करना चाह रहे हो। दूसरा, अजूरे का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अजूरे का अपना खुद का एक फाइबर बैकबोन, लोकल बैकबोन नेटवर्क है। आपको एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाने के लिए आप अजूरे का लोकल लैन नेटवर्क यूज कर सकते हो, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए। तो अजूरे ने क्या करा है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का फाइबर बिछाई हुई है, बैकबोन नेटवर्क बनाया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क AWS से काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। और सिंगल उसने खुद का अपना बैकबोन नेटवर्क बिछाया हुआ है, पूरा फाइबर ऑप्टिकल बिछाया हुआ है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक के बीच में। ओके। गॉट इन माय पॉइंट? अब आता है कि नेटवर्क अगर हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, सो नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, सपोज करो कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल सा मैं बात करता हूँ, देयर द वन ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल, लाइक आई एम जस्ट आस्किंग टू द वन ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग, लाइक आपकी, थोड़ा माइक माइक ऑफ कर लो आप, ठीक है ना, जब आप ऑन करने के लिए बोलोगे ना तब आप। तो एक वन ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ICCP, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, कि अब इसकी दे आर द एन नंबर ऑफ ब्रांचेस अवेलेबल, लाइक अ ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3। अब यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स है, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये सारी ब्रांचेस आपकी सेंट्रलाइजली कनेक्टेड है, सो हम इनको सेंट्रली कनेक्ट कर देते हैं। अब आपकी ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है कि लाइक यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है लाइक 45 IPs की, यहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट है लाइक 45 IPs की, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है लाइक 25 IPs की, एंड लाइक यहाँ पर भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है फॉर एग्जांपल 45 IPs की। और मैं कहता हूँ हमारे एक और ब्रांच अवेलेबल है यहाँ पर, एंड इधर भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है अगेन 25 IPs की। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक वीनेट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक वीनेट वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले आईपी रेंज, आईपी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होगी, और आईपी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो फॉर एग्जांपल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने
अगर मैं यहाँ पर पूछ देखता हूँ कि लाइक 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस इजिकल टू, ये आ गया आपका 40 40 90 एंड 50 90 50 140 195 आईपीस हो गए टोटल। दैट मीन्स यू अप्रोक्सीमेटली कंपनी को सारी लोकेशंस के आईपीस को फुलफिल करने के लिए 195 आईपीस की रिक्वायरमेंट्स है। दैट मीन्स कि आपकी कंपनी ने क्या करा, आपकी कंपनी ने बाय करा आईपीस फ्रॉम कहाँ से, वाया आईएसपी। उन्होंने एक नेटवर्क बाय कर लिया 192.168.1.0/24। तो /24/24 का मतलब है गाइस कि आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ आईपीस मिले हैं 256 आईपी आपकी कंपनी ने बाय कर लिया। इतना क्लियर है या कोई डाउट है आईपी एड्रेसिंग के अंदर, पहले मुझे बताओ। नहीं, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, तो /24 का मतलब आप समझ गए, क्लियर। अब यहाँ पर एक लॉजिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। /24 का मतलब मैं यहाँ पे कुछ फिक्स बिट्स की वैल्यूज लिख रहा हूँ आपके लिए, जिसको आपको रट्टा मार लेना है, कुछ भी वर्ल्ड वाइड वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आपको कभी भी स्लैश के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे 24 दिया है, अगर आपको यहाँ पर स्लैश में मिलती है 22 बिट्स, तो गैस 22 बिट्स का मतलब है आपका जो है 1024 आईपी आएंगे एक ग्रुप के अंदर। अगर आपको /23 दिया जा रहा है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ आईपीस आएंगे एक ग्रुप के अंदर वो आएंगे 512। अगर आपको /24 दिया जा रहा है, तो आपके पास नंबर ऑफ आईपी आएंगे 256। अगर आपको /25 दिया जाता है, तो आपके पास नंबर ऑफ आईपीस जो आएंगे वो आएंगे 128। ये फिक्स है, आप इसको नोट कर सकते हो अपने पास। /26 अगर आपको दिया जाता है, तो आपके पास नंबर ऑफ आईपीस आएंगे 64। और अगर आपको /27 दिया जाता है, तो आपके पास जो फिक्स आईपीस आएंगे इज 32। एंड /28 अगर आपको दिया जाता है, तो आपके पास फिक्स आईपीस आएंगे 16। तो ये फिक्स आईपीस है, फाइन। अब आपके क्या है कि अब हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है नेटवर्क का। सो यानी कि जब भी आप क्लाउड वीनेट, जब भी आप वीनेट बनाओगे, तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा नेटवर्क सीआईडीआर। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा नेटवर्क सीआईडीआर। नेटवर्क सीआईडीआर की अगर मैं बात करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ आईपीस आप कितना यूज करना चाहते हो, टोटल नंबर ऑफ आईपीस, तो आपको यहाँ पर जो नेटवर्क में डालना है गाइस, वो यहाँ पर आपको डालना है 192.168.1.0/24। ये आपने प्रॉपर पूरा नेटवर्क एलोकेट कर दिया, यानी कि क्लाउड समझ जाएगा कि आपने जो यहाँ पर अपना बिग नेटवर्क लिया है वो 256 कंप्यूटर्स का लिया है। अब आपकी कंपनी, आपका कंपनी, आपका जो क्लाउड बोलेगा, वो आपको बोलेगा सबनेट क्रिएट करने के लिए। सबनेट क्रिएट करने के लिए बात करें, तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनाने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको टोटल 5 सबनेट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं। देयर नंबर ऑफ सबनेट्स 5 सबनेट्स की आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। सो सिंपल सा है कि अगर आपको 5 सबनेट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, सो आप सबसे पहले हमेशा सबसे हायर वाला सबनेट निकालोगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारी ये 5 ब्रांचेस अवेलेबल है, तो सबसे हायर सबनेट अगर हम देखें, तो हमारे पास 45 का है। हमारे पास जो सबसे नंबर ऑफ आईपीस चाहिए, वो हायर कितने चाहिए, 45 चाहिए। 45 45 आईपीस। तो आपका जो नेटवर्क स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 192.168.1.0 से। अब आप ये बिट्स देखिए, यहाँ पर जो मैंने बिट्स लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए जो नियर बाई 45 के कौन सी बिट्स आ रही है। अगर आप देखते हो /25, इसके अंदर नंबर ऑफ आईपीस कितने हैं, 128, जो कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं 45 से। एग्री? /25 बिट्स अगर आप यूज करते हैं, तो उसमें आपको जो ग्रुप मिलता है आईपीस का, वो मिलता है 128 आईपीस, यानी कि जो कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और अगर आप लेते हो 127, तो उसमें आपको 32 मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। गॉट इन माई पॉइंट? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अभिषेक, माइक आप होल्ड रखिए, माइक आप, यानी कि मैं कौन से वाले बिट्स का आईपी यूज करूँ। अगर मैं ग्रुप लेता हूँ 64 64 का, यानी कि मेरे एक नेटवर्क में कितने आईपी आएंगे, 64। सिक्सटी तो फोर 0 2 63 पहला नेटवर्क हो गया मेरा। दूसरा नेटवर्क मेरा कहां से स्टार्ट होगा, 192.168.1.3
64 से स्टार्ट होगा, जो कि कहां तक जाएगा मेरा 127 तक। तीसरा नेटवर्क मेरा 192, 168, 1.128 से स्टार्ट होगा, जो मेरा जाएगा 191 तक। तो ये मैंने तीन नेटवर्क बना दिए अपने। उसके बाद आप देखिए कि आपके पास तीन नेटवर्क थे 45, 45, 45 के। अब आपको दो नेटवर्क और बनाने 25, 25 के। तो 64 आप ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 64 तो काफी ज्यादा हाई है रेदर देन उससे। तो बेटर है कि 27 नंबर वाला, यानी कि 32 बिट्स का भी मेरे पास एक ग्रुप है, क्योंकि मैं ज्यादा आईपी तो नहीं दे सकता ना फ्यूचर में यूज करने के लिए। मैं 10, 15, 20 आईपी एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, बट 50, 50 आईपी तो एक्स्ट्रा नहीं दे सकता ना। तो मेरा नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा? 192, 168, 1.192। और इसके अंदर अगर मैं 32 जोड़ देता हूँ तो 191 से अगर मैं आपका 32 जोड़ता हूँ तो ये आपका आएगा 223। और देन नेक्स्ट नेटवर्क मेरा 192.168 1.224 से लेकर 255। तो ये देखिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। और ये मेरे को यहाँ पर 5 ग्रुप चाहिए थे, तो मैंने एक ग्रुप वन ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया, देन ये ग्रुप बना दिया। अब लाइक आप बोल सकते हो कि ये आपका हो गया लाइक दिल्ली, मुंबई, ये आपने दिल्ली के सर्वर से यहाँ लगाए हुए क्लाउड पे, मुंबई के सर्वर से यहाँ लगाए हुए आपने क्लाउड के, ये आपका लाइक नोएडा बैंक पुणे हो गया, पुणे के लिए आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं। एंड ये आपका लाइक मैं बात करता हूँ लाइक एक्स वाई जेड बैंगलोर मान लो, और ये आपका कोलकाता मान लो आप, फाइन। तो ये आपने पूरा नेटवर्क बना दिया। तो इस तरीके से आपने अपनी क्या सबनेटिंग कर दी है। अब जब आप सबनेटिंग कर भी दोगे तो जब आप नेटवर्क बनाओगे तो वो इसमें से भी 5 आईपीस को रिजर्व कर लेगा। हर नेटवर्क में से 5 आईपीस को वो रिजर्व कर लेगा। यानी कि यहाँ पर टोटल आईपी आपने कितने दिए हैं? 64 दिए ना, तो 64 में से भी 5 आईपी ऑटोमेटिकली Amazon क्या करेगा? रिजर्व कर लेगा। वो 5 आईपी कौन से रिजर्व करेगा? वो 5 आईपी रिजर्व करेगा पॉइंट नंबर 1 पर आपकी नेटवर्क आईडी, वो आपका गेटवे, डीएनएस, डीएनएस 1, डीएनएस 2 एंड ब्रॉडकास्ट। ये 5 आईपीज वो रिजर्व कर लेगा हर ग्रुप के अंदर से। यानी कि 64 में से 5 चले गए तो आपके पास जो वैलिड आईपीज यहाँ पर आ रहे हैं वो 59 आईपीज आ रहे हैं। हर नेटवर्क में आपके पास 59 आईपीज ही वैलिड है, यानी कि आप 59 कंप्यूटर ही अपने क्लाउड पर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर 32 है, 32 में से 5 चले जाएंगे, दैट मीन 27 आपके पास अवेलेबल पीसी। इतना क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो अगर अगर आप कभी भी Amazon, यानी कि आप, मैं बात करता हूँ Amazon की, Azure की, GCP की, Alibaba Cloud की, गाइस कभी भी अगर आप नेटवर्क बनाते हो, कभी भी अगर आपको नेटवर्क बनाना है, तो पहले आपको नेटवर्क इस तरीके से कॉपी पे डिजाइन कर लेना है। अब जब आप वहां पर सबनेट बनाओगे अपने, तो सबनेट के अंदर आपको क्या वैल्यू देनी पड़ेगी? तो आपको प्रॉम्प्ट फर्स्ट CIDR के अंदर तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ये वाले। अब सबनेट 1 की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपका सबनेट का वो नाम पूछेगा। तो सबनेट 1 की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 192.168.1.0/26। सबनेट 2 की अगर बात करता हूँ तो सबनेट 2 में आपका आएगा 192.168.1.64/26। थर्ड सबनेट जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा 192.168.1.128/26। फोर्थ सबनेट जो आपका बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा आपके पास 192.168.1.192/27 एंड फोर्थ फिफ्थ सबनेट जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा 192.168
1.224/20 27 क्लियर। जब आप ये सबनेट बना लोगे उसके बाद जब आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे देन नेटवर्क के ऑप्शंस में आपके पास ये ऑप्शंस वहां पर आएगा नेटवर्क सेलेक्ट करने का, तो वहां पर लिस्ट ऑफ सबनेट्स आएंगी। अब आप वहां पर कौन से सबनेट पर अपनी मशीन क्रिएट करना चाहते हो वो उस जगह पर आएगा। क्लियर है इतना? ये पॉइंट क्लियर है पहला कि तो हम नेटवर्क बनाएंगे अभी, तो ये अभी बेसिक नेटवर्क हम बना रहे हैं, बाद में वन बाय वन चलेंगे। दूसरा इसके अंदर एक आता है रिसोर्स मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर। तो रिसोर्स मैनेजर बोलो आप या रिसोर्स ग्रुप बोल लो जी इसको, तो मैं इसको रिसोर्स ग्रुप ही बोलता हूँ। तो रिसोर्स ग्रुप क्या है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने क्या करा, आप सारी चीजों को एक ही जगह देखना चाहते हो कि लाइक दिल्ली में आपने क्या क्या करा हुआ है, मुंबई में आपने क्या क्या करा है, कोलकाता में क्या करा है, बेंगलोर में क्या क्या करा हुआ है। सो आपने क्या करा, एक कॉमन रिसोर्स ग्रुप बना दिया, आपने एक कॉमन रिसोर्स ग्रुप बना दिया। और अब आप जो भी चीज डिप्लॉय करोगे वो आप उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर डिप्लॉय करोगे। आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, लाइक आपने दिल्ली के लिए अलग रिसोर्स ग्रुप बना दिया, मुंबई के लिए अलग रिसोर्स ग्रुप बना दिया, कोलकाता के लिए अलग रिसोर्सेज ग्रुप बना दिया, क्योंकि कहीं आपने डेटाबेस ये रखा है, कहीं आपने लोड बैलेंसर लगा रखा है, कहीं आपने कुछ कहीं का यहाँ पर कुछ लगा रखा है। बट अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इंटायर नेटवर्क देखना चाहते हो तो आप बेटर है कि आप एक कॉमन रिसोर्स ग्रुप बना के चलिए। तो या तो आप अपनी कंपनी की लाइक जैसे आपने की कंपनी का एक प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए आया है, सो आप अपना एक दिल्ली के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट वो बना दीजिए रिसोर्स ग्रुप, और दिल्ली का नेटवर्क वहां पर पूरा का पूरा एड ऑन कर दीजिए, ठीक है ना। मुंबई के लिए आया तो मुंबई के लिए आप बना दीजिए। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हो। गॉट इट? तो आप इंडिविजुअली ब्रांचेस वाइज भी कर सकते हो, या आप इंडिविजुअली एक पूरे इंटायर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर करना चाहते हो। ओके, क्लियर इतना? यस, स्टार्ट करें प्रैक्टिकल पहले इसका। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। तो आई एम लॉगिन विद अमेज़न आपके अजूरे पोर्टल से। एक्चुअली क्या है ना, अजूरे के स्टूडेंट्स कम है मेरे पास और अमेज़न के ज्यादा हैं, तो वो बार बार अमेज़न ज्यादा निकाल रहे उसे, ठीक है ना। तो मैं खुद अमेज़न पे भी काम करता हूँ ना, तो इसलिए वही AWS अमेज़न मुंह पे आ रखा है यार, चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फ्री ट्रायल लिमिट्स भी दे रखे आपको कि आपके पास 20 मंथ के लिए 13,300 रुपीज आपके पास क्रेडिट होंगे, 25 सर्विसेज फ्री हैं। तो यहाँ पर फ्री सर्विसेज की लिस्ट आ रही है कि लाइनेक्स वर्चुअल मशीन आपको 750 आवर्स के लिए फ्री है, ठीक है ना। कंप्यूट के अंदर ये आपको इतनी देर के इतने टाइम के लिए फ्री है, इतना मैनेज डिस्क फ्री है, SQL डेटाबेस 250 GB है, ठीक है ना। फाइल स्टोरेज 5 GB आपके पास फ्री है, ठीक है ना। ब्लॉब स्टोरेज आपके पास 5 GB फ्री है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। डेटाबेस कॉस्मोस DB मैंने आपको शायद आई थिंक से उसमें बताया था डेमो में कि हमारा अनसिक्योर मतलब कि आपका नो SQL डेटाबेस है वो आपका इतना है। तो ये आपके पास फ्री लिमिट्स उसने दे रखी है कि जो जो चीजें आपकी फ्री है, ऑलवेज फ्री वाली कौन सी है। सो ये आपके पास फ्री लिस्ट है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आई एम जस्ट लॉग इन, वेयर इज लॉग इन, स्टार्ट फॉर फ्री नहीं जाना था यार, अजूरे पोर्टल लॉग इन जाना था मैं। CHOUS
C-H-O-U. तो यहाँ पर क्या है, ये कंसोल उन्होंने चेंज कर दिया है। तो पहले ऐसा नहीं था, अब तो काफी चेंज होता जा रहा है। अब तो हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो अगर आपको किसी भी रिसोर्स को शॉर्टकट बनाना हो तो आप उस पर स्टार पे क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पर ये सारी की सारी आपके रिसोर्सेज आ रही हैं। आप चाहे यहाँ से भी अपनी रिसोर्सेज बना सकते हो, या चाहे आप अपने रिसोर्सेज को यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो और आप सर्च भी कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप की, तो सबसे पहले हम एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लिक ऑन रिसोर्स ग्रुप, तो आई एम जस्ट क्लिक दिस रिसोर्स ग्रुप एंड देन क्रिएट। तो आप सर्च भी कर सकते हो रिसोर्स ग्रुप डायरेक्ट, या फिर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो एंड एड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम कॉमन ही रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, मैं हर किसी चीज के लिए नया नहीं बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे बना देता हूँ ICCP-RG। RG स्टैंड फॉर रिसोर्स ग्रुप। तो US ईस्ट हम ले लेते हैं, US ईस्ट US आप लेना चाहते हो तो हम ईस्ट US ही ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फास्ट है यहाँ पर। वैसे मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा फास्ट कनेक्टिविटी है, तो US ईस्ट ही रीजन हम यहाँ पे रहने दे रहे हैं। तो नेक्स्ट एंड रिव्यू एंड क्रिएट। यहाँ पर हमने अपना एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर दिया है ICCP। अब आप कोई भी चीज डिप्लॉय जब भी करोगे, लाइक यू कैन डिप्लॉय एनी काइंड्स ऑफ रिसोर्स, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सबसे पहला ऑप्शन तो आएगा सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करने का, और सेकंड ऑप्शन आएगा वो आपके पास आएगा आपका रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करने का, ग्रुप। और वहीं पर ही आपके पास ऑप्शन भी आएगा क्रिएट न्यू। तो मैं रिसोर्स बनाते वक्त कुछ भी क्रिएट नहीं करूंगा, मैंने पहले से ही प्री डिफाइंड एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया है और हर बार मैं उसी को ही सिलेक्ट करूंगा। आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप अभी नहीं करते तो नेटवर्क बनाते हैं आप या कुछ भी चीज बनाते हैं तो आप वहां पर भी उस समय भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैं उस समय नहीं क्रिएट करूंगा, इसलिए मैंने पहले एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया है। वो क्यों करा है, क्योंकि हम जो भी चीज यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे हम कॉमन रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही डिप्लॉय करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया विद द नेम ऑफ ICCP-RG के नाम से। जी क्लियर, RG स्टैंड फॉर रिसोर्स ग्रुप। देन अब हम अपना नेटवर्क डिप्लॉय करने जा रहे हैं। सो नेटवर्क हम बना रहे हैं तो देखिए इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट बना भी रहता है, बट मैं डिफॉल्ट पे नहीं करूंगा, जो भी चीजें हम खुद से क्रिएट करके करेंगे। सो गो टू वर्चुअल नेटवर्क एंड वर्चुअल नेटवर्क पे हम जाएंगे, देन क्लिक ऑन एड। तो US ईस्ट आ गया, सो आपका अगर आप किसी अदर रीजन में बनाना चाहते हो बना सकते हो। सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फ्री टाइल, हमारा अकाउंट है रिसोर्स ग्रुप, आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। जो हमने बनाया था वो ICCP-RG यहाँ पर आ गया, देन वो नेटवर्क का नाम पूछ रहे हैं, सो मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेटवर्क का नाम, लाइक ICCP-NETWORK नेटवर्क। तो ICCP नेटवर्क मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। देन नेक्स्ट आईपी एड्रेस, यानी कि वो टोटल पूछ रहे हैं CIDR स्पेस, टोटल CIDR स्पेस। तो देखिए बाय डिफॉल्ट वो 10 का यूज कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10 का यूज हो रहा है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर वो यूज करूंगा जो हम लोगों ने बनाया 192.168.1.0/24। 24 ये मैंने बना दिया। देन वो हमसे पूछ रहा है नीचे एड सबनेट, सो मैं यहाँ पर सबनेट एड कर रहा हूँ। सो सबनेट 1 का नाम मैं रख देता हूँ लाइक दिल्ली, एंड इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 192.168.1.0/26 एंड एड। तो यहां से मैंने सबनेट ऐड कर दिया है, एक और मैं सबनेट यहाँ से ऐड कर देता हूँ एंड देन सबनेट पे आया, मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ लाइक MUMBAI मुंबई एंड 192.168.1.64/26 एंड एट। सो मैंने दो सबनेट्स यहां से बना दिए। देन नेक्स्ट
नेक्स्ट कुछ नहीं करना, नेक्स्ट 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 रिव्यू एंड क्रिएट टैग में आप कुछ भी नाम दे सकते हो, चॉइसेस योर कि आप कुछ भी देना चाहते हो दे सकते हो। सो हम नेटवर्क बेस्ड सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, इसमें हम नेटवर्क बेस्ड सिक्योरिटीज भी लगा सकते हैं। सो देखिए, एक तो मैंने सबनेट तब बनाए हैं जब आपने वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करा है, या आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो सकता है कि हमारा पहले से ही कोई वर्चुअल नेटवर्क। सो जब भी आपका अगर एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट होगा, सो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या आपके उस सीआईडीआर ब्लॉक के अंदर वो स्पेस है कि आप अपना सबनेट इंक्रीज कर सको। सो अगर आपके ब्लॉक के अंदर, लाइक जैसे यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है वो 256 का है, वो 256 का है, तो 256 का है, तो दैट मींस कि अगर मैंने सबनेट 64-64 के बना लिए हैं, तो दैट मींस मेरे पास अभी 128 आईपी फ्री पड़े हैं, तो मैं नए सबनेट बना सकता हूँ। तो आपको अपना वो ब्लॉक भी देखना। पड़ेगा कि जो आपका एड्रेस स्पेस है आपके पास है, अगर एड्रेस स्पेस नहीं है तो आप नया सबनेट एड ऑन कर ही नहीं सकते। थ्री बना चुका हूं, मेरे पास अभी भी 64 आईपीज हैं, तो 64 आईपीज यानी कि 64 64 यानी कि 128 आईपीज पड़े हुए हैं। सो वो मेरे ऊपर है कि मैं उसमें किस टाइप्स के नेटवर्क हो। सो मैंने दो नेटवर्क बना दिए, सो मैं रिमेनिंग जो तीन नेटवर्क्स हैं वो मैं आफ्टर सबनेट क्रिएट होने के बाद करूंगा। सो ये मेरा नेटवर्क क्रिएट हो गया, योर डिप्लॉयमेंट इज कम्प्लीट। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम पे जाएंगे तो यहाँ पर भी शॉर्टकट बन के आ जाएगा वर्चुअल नेटवर्क और रिसोर्स ग्रुप का। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट्स आते हैं वो उनके आते हैं, जो जो चीजें हम बनाते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर होम पर डिस्प्ले होना लग जाएगा। सो वर्चुअल नेटवर्क, और यहाँ पर देखिए हमने एक आईसीसीपी नेटवर्क बनाया था जिसको हमने आईसीसीपी आरजी के अंदर करा था, जिसकी लोकेशन ईस्ट यूएस है, सब्सक्रिप्शन फ्री है, ठीक है। और यहाँ से आप अगर आप उसको डैशबोर्ड में परमानेंट पिन करना चाहते हो तो पिन कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं अब यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो, फाइन। सो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हो। सो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, और मैं अगर यहाँ पर अब आता हूँ सबनेट्स के अंदर, और सबनेट्स में दो एड मैंने कराए थे, तो सबनेट्स पे जाके अगर आपको और भी सबनेट एड कराने हैं तो आप यहाँ पर सबनेट्स में अंदर आके सबनेट पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आके आप एड ऑन करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने नेक्स्ट ऑटोमेटिकली 128 से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमने दो बनाए थे 64 64 के। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं, नेक्स्ट में बना लेता हूँ लाइका बेंगलुरु, या बेंगलोर कर दो स्पेलिंग जो भी है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 128 को 26 पर ही ले लेता हूँ मैं इसको भी, फाइन एंड ओके। तो ये एक और मेरा बन गया। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल आईपीस कितने आ गए, 59 आईपीस आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास 59 59 59 आईपीस ही मिलेंगे, क्योंकि वो 5 आईपीस को क्या कर रहे है, ऑटोमेटिकली रिजर्व कर लेगा एवरी सबनेट में से। इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि वो कॉमन सीआईडीआर में से, एड्रेस स्पेस में से रिजर्व कर देगा या सबनेट्स में से, तो गाइस वो ईच सबनेट में से रिजर्व करता है, ईच सबनेट से वो रिजर्व करेगा। सो आप देख रही है कि आपके पास जो अवेलेबल आईपीस हैं, वो अवेलेबल आईपीस की जो लिमिट्स हैं वो उसने यहाँ पर दिखा दी हैं। देन ऐड सबनेट्स, सो लाइक हम ऐड फॉर लाइक नोएडा बना देते हैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ /27 एंड क्रिएट, then add subnet noida के बाद दिल्ली मुंबई बैंगलोर नोएडा पुणे ले लेते हैं, और ये भी मैं /27 एंड ओके। तो ये मैंने सारे के सारे बना दिया, और देखिए 5 27 27 जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये इतना सिनेरियो क्लियर है।
कैसे हमने एक बड़ा नेटवर्क लिया, कैसे उस नेटवर्क को ब्रेक करे, तो ये जो वैल्यूज जो मैंने आपको बताई है ना, ये वैल्यू अगर आप हमेशा याद रखोगे, आप कभी भी सबनेट, कभी भी नेटवर्क डिजाइन करते हो तो आप इस तरीके से रखे अगर सिलेक्शन करोगे ना, तो कभी भी आपके नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे नेटवर्क में बनाने में कब आती है कि जब हम लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमारा नेटवर्क ब्रेक कहाँ से होगा। लेकिन अगर आप इन इन बिट्स को अगर कर रख ले रख लोगे ना इस तरीके से, तो आपको इजीली है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट 500 आईपी की है तो सिंपल सा है, 512 आईपी के लिए /23 लगना है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। 1000 आईपी चाहिए, सो अगर आप इस तरीके से लिख के कभी भी अपना नेटवर्क डिजाइन करोगे तो आपको 1% कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं, वैसे तो मैं उन्हें नहीं दूंगा। फाइन, तो अगर मैं आप करता हूं प्लस सबनेट ऐड ऑन करता हूं, तो देखिए उसने नई रेंज यहां पर मेरे को अब दे दी 10 की। क्यों दे दी? क्योंकि मेरे पास पुराने वाले एड्रेस स्पेस में आईपीस बचे ही नहीं थे। राइट, गॉट इट। सो ये हमने सबनेट्स बना दिए। अब Amazon के अंदर एक और चीज थी, टर्म्स थी, Amazon के अंदर भी सेम ही था, बट वहां पर एबिलिटी जॉन्स का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है कि आप किस डेटा सेंटर पे करना चाहते हो, बट यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर सिंगल सिंगल डेटा सेंटर है। अगर आप यहाँ पर दूसरे रीजंस लेते जिनमें एबिलिटी सेट्स आते हैं, एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स हैं, तो वहां पर भी आपको नेटवर्क बनाने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं AWS से VNet इजी है बनाना, ये मैं आपको बताऊंगा। देन अगर आप यहाँ पर देखें, ऑप्शन आ रहा है नीचे DNS सर्वर का भी। तो आप अगर अपने अकॉर्डिंग कोई भी आईपी डीएनएस के अंदर एलोकेट कराना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि डिफॉल्ट आईपी बोले, आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कोई भी आईपी एलोकेट कराना, तब वो आईपीस भी एलोकेट कस्टम में जाके करा सकते हो। यहाँ तो बाय डिफॉल्ट वो आईपी उठा रहा है ना, बट हम नहीं चाहते वो वाला उठाए। तो वो आप यहाँ से भी अपना DNS IP आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी IP एलोकेट कर सकते हो अपने इंटायर नेटवर्क के अंदर से, जो कि हम आगे जब हम एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको इस पर क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कराऊंगा कि आपका एक सर्वर होगा, बाकी मशीन हम क्लाइंट बनाएंगे, यानी कि ADDS का जो पार्ट है वो पूरा मैं कराऊंगा। तो वहां पर हम ये सारी चीज कस्टम ही बनाएंगे अपनी। ओके, तो सारी चीज चेंज करेंगे, अभी इससे हम डिफॉल्ट पर ही कर रहे हैं। तो होप्स तो नेटवर्क आप बना लोगे, दिस इज अ बेसिक नेटवर्क। आगे हम नेटवर्क पेयरिंग वगैरह सारी चीज पढ़ेंगे। सो रिसोर्स ग्रुप हो गया। अब आता है वर्चुअल मशीन्स। तो गाइस, जब भी हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे, सो इफ यू क्रिएट द एनी काइंड्स ऑफ वर्चुअल मशीन, यानी कि अगर आप कोई भी VM क्रिएट करेंगे, तो जब भी आप VM क्रिएट करेंगे तो VM के अंदर से आपसे कुछ टर्म्स पूछेगा। टर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो पहले तो वही आपसे पूछेगा कि आपका सब्सक्रिप्शन क्या है, आपका। देन आपसे वो आपका रिसोर्स ग्रुप पूछेगा, देन वो आपसे आपका रीजन पूछेगा, रीजन पूछने के बाद वो आपसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे आपका पूछेगा यूजर नेम। तो ये यूजर नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉगिन एंड पासवर्ड होगा। यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड आपसे पूछेगा, देन आपसे प्रोटोकॉल पूछेगा। तो प्रोटोकॉल के अंदर मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि अगर आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोटोकॉल यूज करते हो तो आपको मैंडेटरी है RDP प्रोटोकॉल अलाउ करना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इफ यू डिप्लॉय GUI based operating system VM allow RDP protocol, अगर आप ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो जो ग्राफिक प्रोवाइड करा रहा है, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा, RDP प्रोटोकॉल अलाउ करना ही पड़ेगा। अगर आप डिप्लॉय कर रहे हैं CLI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम,
अगर आप CLI बेस यानी कि कमांड लाइन लाइक लिनक्स तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको SSH प्रोटोकॉल अलाउ करना ही पड़ेगा। तीसरा, अगर आप वेब सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हो, अगर आप कोई भी वेब सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हैं यानी कि अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हो, वेबसाइट्स वगैरह चलाना चाहते हैं, तो आपको अलाउ करना पड़ेगा HTTP एंड HTTPS। HTTPS। Got it my point? हम्म। तो आपको अलाउ HTTP और HTTPS। तो बेसिकली आपको ये चार प्रोटोकॉल्स के वहां पर ऑप्शंस मिलेंगे। तो डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप कस्टम रूल्स बना सकते हैं हम फायरवॉल्स में जाके। इनबाउंड रूल्स हमें बनाने पड़ते हैं, आउटबाउंड रूल्स नहीं बनाते हम। सो आप अपने अकॉर्डिंग इनबाउंड रूल्स भी बना सकते हो। और आप चाहो कि नहीं, आप ये प्रोटोकॉल बार बार अलाउ नहीं कराना चाहते तो आप पर्टिकुलर सबनेट पे भी इनबाउंड रूल को सेट कर सकते हो अपने। आप चाहते नहीं तो आप नेटवर्क के साथ ही अपना इनबाउंड रूल बना के नेटवर्क के साथ ही आप मर्ज कर दीजिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को, NSG जिसको हम बोलते हैं, NSG, हाँ। तो आप NSG बना के आप उसको अपने नेटवर्क सबनेट के साथ भी मैप कर सकते हो। तो आपको रूल बनाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या आप यहाँ पे डेडिकेटेड रूल बना लीजिए और वहां पर आप NSG बनाएंगे तो आपके पास NSG को भी एड करने का ऑप्शन आएगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को। तो चलिए वो सब आगे की बातें। फिलहाल हमारी पहली क्लास है आज, तो हम कहें तो इतना ही करके चलते हैं। ज्यादा नहीं भागना हमें, क्योंकि हमें सीखनी है चीजें, तो भागनी नहीं है। तो क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन। तो तीसरा ऑप्शन हमारा वर्चुअल मशीन का आ रहा है। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो वर्चुअल मशीन के ऑप्शन को। और आप चाहो तो ये थ्री जो लाइन्स आपको दिख रही है यहाँ पर भी आप जाके क्लिक कर सकते हो वर्चुअल मशीन। एंड वर्चुअल मशीन में आने के बाद जस्ट क्लिक ऑन एड वर्चुअल मशीन। एंड ये सारे ऑप्शन यहां पर आ रहे हैं। सो पहले वही अपना रिसोर्स ग्रुप, सो हमने ऑलरेडी रिसोर्स ग्रुप बनाया हुआ है, सो वही सिलेक्ट कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन नेम लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ VM1, US East, एबिलिटी ऑप्शन। सो एबिलिटी ऑप्शन में अभी नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी एबिलिटी जॉन्स आपका है कि अगर आपने डिफरेंट जॉन्स के अंदर बना रखी है, लाइक आपने एक मशीन ES US East में ले रखी है, एक वेस्ट के अंदर ले रखी है, यानी कि डिफरेंट रीजन में। सो हम जॉन रिडंडेंट यूज करते हैं। और अगर आपका एबिलिटी सेट का मतलब है कि वो एबिलिटी जॉन जहाँ पर एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स है। तो अभी मैं इस ऑप्शन को नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं एबिलिटी सेट का ऑप्शन ले रहा हूँ, ना ही मैं एबिलिटी जोन का ऑप्शन ले रहा हूँ। वो हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी मैं इस वाले ऑप्शन को स्किप कर दे रहा हूँ। आगे हम कवर करेंगे इसको अपने आने वाली 2-3 क्लास के अंदर ही। तो इमीडिएट अब यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि पहले मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, फिर हम 1x1 लेंगे। तो इमेजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्राउज ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट इमेजेस, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ इमेजेस आ रही हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना, कौन सी इमेज लें भाई, सेट्रिक सारा है सवर 2012। तो सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ पर विंडोज, WINDOWS Windows Server 2012 आजा भाई R2। तो भाई इन्होंने ये वाला कंसोल ही चेंज कर दिया पूरा यार। Compute DC plus on Windows Server 2002 version 1, a free open source peer to peer sharing solution. But क्या कर दिया ना Microsoft Windows Server operating system कहाँ गया? मुझे show करता था पहले तो Windows के लोगों के साथ। एक बार 16 सर्च
क्या पता आटू हटा दिया हो इन्होंने, ये तो सपोर्ट भी चेंज होता रहता है। हाँ वही है ना, वो कंसोल चेंज कर दिया है। स्टूडेंट लोगो भी तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट की जगह लोगो चेंज कर दिया उन्होंने। विंडोज सर्वर टाइप। विंडोज SERV या सर्वर 2016, अब हाँ तो आ रहा है, अब आ रहा है। क्या हो रहा है एक्सचेंज हो गया लोग। माइक्रोसॉफ्ट? नहीं यार, MICRO माइक्रो SOFT। क्या हो था रहा है, आया तो था वो, तो मैं भी कह रहा हूँ आया तो था। चला गया, जैसे टू टू टाइप किया था आपने आ गया था स्टार्टिंग विंडोज सर्वर टू। नेचुरल सेशंस विंडोज सर्वर 16। गेमिंग सर्वर्स कहाँ से आ रहे हैं? वेट एक मिनट यार, डेटाबेसेस इन्होंने IT मैनेजमेंट इन्होंने वैसे डिप्लॉय कर दिए हैं। सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग, डेटाबेसेस। कंप्यूटर्स में ही होना चाहिए मैंने कहा, कंप्यूटर्स के अंदर ही आना सर्वर चाहिए वैसे तो। सर्वर। पूरा ही चेंज कर दिया इन्होंने अपने। ये आ रहे नीचे, हाँ 19 दे रहे हैं, 16 भी आ रहा है। मैं 12 लेना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि ये ले लेते हम हाँ हाँ विंडोज सर्वर 2012 R2 डेटा सेंटर। ठीक डाटा से। है, तो Generation 1 या Generation 2 आप कोई भी ले सकते हैं। तो रीजन है कि मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम ना रैम कम लेंगे, वरना वो हमारे चार्जेस उस हिसाब से लगेंगे फिर। हाँ ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपना, तो विंडोज सर्वर एंड साइज वो हमसे ले रहा है 8 GB मेमोरी। तो और इसका मंथली रेंट भी 9000 वो बता रहा है, तो साइज हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम ले लेते हैं 3.5 GB रैम। फाइन, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया, तो स्टैंडर्ड हमने ले लिया साइज। एंड जस्ट यूजर नेम इज लाइक ICCP डाल देते हैं, एंड द पासवर्ड इज लाइक पासवर्ड इज PASS पास एट द रेट 1 2 3 4 5 सिक्स सेवन PASS। ये पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। प्रोटोकॉल्स, तो RDP प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। हम अगर इसको वेब सर्वर भी बनाना चाहते हैं तो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स भी अलाउ कर दिया है मैंने। नेक्स्ट डिस्क, तो बेसिक डिस्क हम यहाँ पर ले रहे हैं अपना। प्रीमियम SSD लेना चाहते हैं या स्टैंडर्ड SSD, तो प्रीमियम SSD हम ले लेते हैं। तो क्योंकि हमें ज्यादा टाइम के लिए हमें मशीन को चलाना नहीं है, तो हमारे चार्जेस बहुत ही कम लगेंगे। तो नेक्स्ट नेटवर्किंग का ऑप्शन आ गया, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी पूरी के पूरे। तो ICCP नेटवर्क आ गया और यहाँ पे देखिए सबनेट्स की लिस्ट आ गई है पूरी की पूरी। आप कहाँ पर ये सबनेट किस लोकेशन के लिए, यानी कि किस ब्रांच के लिए आप अपनी इस मशीन को डिप्लॉय करना चाहते हो? मैं दिल्ली के लिए करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। पब्लिक IP इज रिक्वायर्ड, तो पब्लिक IP आपको मैंडेटरी है, तो पब्लिक IP आपको चाहिए ही चाहिए। तो VM1 IP मैंने यहाँ पे आ ही रहा है, तो VM IP या आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो और NSG में अभी कुछ बना रही रहा, तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप BC की मैंने रहने दिया है। अगर आपने बना रखा होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए NSG भी यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो।
मैनेजमेंट में कुछ नहीं है अब थिंग, तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक को आप ऑफ कर दें, तो बीसी बूट डायग्नोस्टिक को मैं डिसेबल कर देता हूँ एंड अपना यहाँ पर ऑफ करके चले। अननेसेसरी इनके चार्जेस मुझे नहीं चाहिए। इनेबल बेसिक प्लान फॉर फ्री, तो यस मैंने वो कर दिया है। एडवांस, तो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट्स के लिए है आपके लिए। नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, सो रिव्यू एंड क्रिएट ही मैं कर देता हूँ सीधा। सो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो यहाँ पर ये बताएगा कि क्या चार्जेस हमारे लगने वाले हैं, सो पर आवर 8 रुपीज समथिंग हमारा लग रहा है यहाँ पर, फाइन। तो 8 रुपये हमारे एक घंटे के लगेंगे, अगर हम उससे पहले भी बंद कर देंगे तो हमारे उस हिसाब से चार्जेस यहाँ पर होंगे। एंड क्रिएट, तो ये हमने फर्स्ट मशीन अपनी डिप्लॉय करी है, जिसके थ्रू हमने अपना खुद का अपना वर्चुअल नेटवर्क बनाया है, खुद का हमने अपना रिसोर्स ग्रुप बनाया है, और खुद की हमने एक अपनी वीएम क्रिएट करी है। तो अप्रोक्सली ये हमारे 3 to 4 मिनट्स लेके जाएगी, सो 3 to 4 मिनट्स लगेंगे हमारे इस मशीन को डिप्लॉय होने में। सो तीन चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, बेसिक तीन चीजें कि लाइक हाउ टू क्रिएट वीनेट के अंदर ही आ जाता है वो सारी चीजें, एंड हाउ टू क्रिएट CREATE क्रिएट रिसोर्स ग्रुप एंड VM एंड हाउ टू क्रिएट VM। तो पहले ये बताओ इतना काफी है आज के लिए या और चलें? चल सकते हैं, करना देखो करना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। 10 मिनट्स और कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा अगर आप बता सको तो। अभी तो चल रहा है, अभी तो रनिंग में है, डोंट वरी, अभी तो रनिंग में है प्रोसेस। तो देखिए इसके बाद हमारी एक ऑप्शन आता है इमेज। इमेज अब हम क्या करेंगे कि हमारी अगर हम इमेज की बात करते हैं, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ। इमेज की बात करना है तो दो टाइप्स की इमेज होती है हमारे पास। एक होती है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जो प्रोवाइड बाय अजूरे, और एक होती है कस्टम इमेज। जो क्रिएट बाय यूजर, यूजर लाइक यू एंड मी, जो हम इस अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। अब अभी जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई है, वो मशीन हमने बनाई है डिफॉल्ट वाले पे, गॉट इट? हमने अजूरे की इमेज का यूज करा है और उसके थ्रू हमने अपनी मशीन डिप्लॉय करी है। अब आप क्या करोगे कि जब आपकी मशीन इंस्टॉल हो गई, अब आप इस पे क्या करोगे, आप इस पर लाइक एमएस ऑफिस डाला आपने, इस पे VLC मीडिया प्लेयर डाला आपने, अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, ठीक है, बहुत सारे काम करा आपने, कोई डेटा बनाया, और इन सबको काम करने में आपको ये एक सर्वर रेडी करने में लग गया 1 आवर। गॉट इन माई पॉइंट? अब आपकी कंपनी कहती है कि आपको 50 सर्वर बनाने हैं, ऐसे कितना टाइम लगेगा? तो बहुत टाइम लग जाएगा। Whether we use template or clone. बिल्कुल। और अगर मैं इसकी क्लोनिंग करके रख लूं तो? मैंने एक सर्वर बनाया और इसकी क्लोनिंग कर ली। और इसकी क्लोनिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे एक इमेज बना दी कस्टम AMI के नाम से, लाइक VM1 CUSTAM कस्टम इमेज, ये मैंने नाम दे दिया।
तो अब मैंने क्या करा, जब मैंने कस्टम इमेज बनाई थी तो ये जितना भी काम करा हुआ है ना, इसके साथ ये इमेज बनी है। गॉट इन माई पॉइंट, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यानी कि जो भी चीज आपने इस पे जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह सब इंस्टॉल करे थे ना, अब वो सारे की सारी चीज इस इमेज के अंदर आ गया। अब आप जब नई मशीन बनाओगे तो आप इस इमेज के साथ बनाइए। जब आप इस इमेज के साथ बनाएंगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी, जब आप कोई भी मशीन आप बनाओगे तो ये सारी चीज इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड इंस्टॉल मिलेगी, हो। ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। समझ गए? तो हाँ बिल्कुल यही काम अब हम करने वाले हैं। ओके सो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले तो वेब सर्वर बना रहा हूँ एक। मैं इसको वेब सर्वर बना दूंगा, जो मशीन हमने बनाई है BM1, इसको मैं बना रहा हूँ वेब सर्वर। ओके और वेब सर्वर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल IIS रोल यस यस एंड क्रिएट वेबसाइट। तैयारी और इस पर मैं वेबसाइट क्रिएट करूंगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट इमेज। उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे। देन इमेज क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिप्लॉय या क्रिएट VM वाया इमेज कस्टम इमेज। या सो कस्टम इमेज के थ्रू बनाएंगे, दैट मींस कि जो भी हमने वेबसाइट यहाँ पर बनाई है वो वेबसाइट ऑलरेडी इस पर बनी हुई होनी चाहिए। लॉजिक क्लियर? यस चलें तो स्टार्ट कर लेते हैं, इस वाले को भी कर ही लेते हैं, लैब को। हाँ हाँ सब तो बिल्कुल यहाँ पर चलते हैं हम अपने होम पर। सो वर्चुअल मशीन पर जाते हैं। सो हमने ऑलरेडी वर्चुअल मशीन यहाँ पर बना रखी है VM1 के नाम से, जो कि अपनी रनिंग है। यहाँ से आप रिस्टार्ट शटडाउन, सो क्लिक ऑन VM1 एंड बनाने के बाद मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सो क्लिक देन कनेक्ट RDP डाउनलोड RDP। द यूजर नेम इज ICCP एंड पासवर्ड इज BASS। सो ये फर्स्ट मशीन हमारी लॉगिन हो चुकी है यहाँ पर, एंड आई एम जस्ट इंस्टॉल द। अबे यार ये कौन सी लैंग्वेज आ गई, ठीक है। लैंग्वेज में सर उन्हें कोई सी और कम कोई और लैंग्वेज ले ली थी क्या? शिट यार, ये चाइनीज कहाँ से आ गया? लैंग्वेज चेक नहीं किया, इसमें लैंग्वेज ऑप्शन चेंज तो हो जाएगा, यहाँ टाइम लगेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं, बाहर से वो हमें दूसरी लैंग्वेज यूज करनी थी। हाँ चलो कोई नहीं, एड रोल एंड फीचर्स पे जाते हैं। मुझे तो लैब करानी है ना, मैं तो करा दूंगा। एड रोल एंड फीचर्स पे गए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे ये DHCP वेब सर्वर आ गया। IIS ये IIS होगा पक्का। विंडोज DHCP भाई कौन सा IIS है ये? छोड़ो यार इसको। मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पे कोई डीट फोल्डर बना देता हूँ, साला फोल्डर भी नहीं बनेगा। राज के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने अपना
राज के नाम से फोल्डर ही बना दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये सपोज करो डेटा हो गया, एप्लीकेशन हो गए, वट एवर। ठीक है ठीक यार आसमान से टपके, ये पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर जो है ना, कॉपी करके ना इसके ऊपर डाल देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर हमने एक डाल दिया इसके ऊपर, क्लियर। इस मशीन को यहां से मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। क्या है, आसमान से टपके खजूर पे लटके। और अब हमें इमेज क्रिएट करनी है इसकी, तो इमेज के लिए आप यहाँ पर जाइए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे सर्च करना है CREATE क्रिएट। या इमेज खाली ऑप्शन लिखना है, क्रिएट नहीं, IMAGE। तो इमेज पे जाना है। तो ये मशीन बनाना, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करना, ठीक है। हाँ एक मिनट होल्ड करना है। हाँ जी सर, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग।
एक कॉल आ गया था ऑफिस से, तो वो ही देखने लग गया था। चलो कोई नहीं सर। तो यहाँ पर एडिमेज करा, एंड एडिमेज करने के बाद ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्रिएट एन इमेज कर रहा हूँ ना। सो ठीक है, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने लाइका VM1-CUSTOM कस्टम, फ्री ट्रायल रिसोर्स ग्रुप ICCP ES यूज्ड, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज, एंड स्टोरेज ब्लब स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क रीड राइट। स्टोरेज अकाउंट तो बनाया नहीं है मैंने अभी, इमेज वाले को यार कल करेंगे हम, ठीक है, इमेज को कल करेंगे हम। ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। इमेज देन क्रिएट, ब्लब स्टोरेज का ऑप्शन कैसे आने लग गया यहाँ पर, कल करते हैं इसको, ठीक है, कल हम मॉर्निंग में करते हैं। बट ठीक है आपका अब सर। काम ठीक है क्या, आपका क्या काम रह गया है, आपको एक नेटवर्क बनाना है, और जो आपको नेटवर्क बनाना है वो आपको किस पर बनाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और मुझे बना हुआ चाहिए क्योंकि तभी आगे का हो पाएगा। VM1 को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसका वैसे भी लैंग्वेज हमारी कंट्री की नहीं है, वैसे चाइना से हमारा वार चल रहा है, और ये मैं नई मुझे क्रिएट तो करूँ। नहीं। VM आप क्रिएट कर लेना, ठीक है, हाँ VM1 टाइप यस। तो कर लोगे तो इतना करिए, फिर बिल्कुल कंटिन्यू सर करते हैं फिर। बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं, एक नई पूरी डिस्कॉर्ड ग्रुप बना के जितना आपने कराया ना मैं सारा ही करूंगा, देखो फिर देखो, उसको एडिट कर दूंगा। ये जो बना हुआ है ये बना रहने देना, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक ना है ही स्टॉप नेटवर्क के कर। चार्जेस लगने, ना रिसोर्स ग्रुप के। VM मैंने डिलीट ही कर दिया। ओके आपको क्या ओके करना है, अपना नया नेटवर्क बनाना है, अपने नाम से बना लेना, अभिषेक नेटवर्क के नाम से ओके या कोई भी, और अभिषेक रिसोर्स ग्रुप के नाम से। तो ओके आप जो करोगे वो आप अभिषेक के नाम पे करना, मैं ICCP के नाम पे करूंगा, ठीक क्लियर। तो रिसोर्स को ओके डिलीट नहीं करना है, और जब आप मशीन कल बना लो तो मशीन को स्टॉप ओके करके रखना, ओके